सीटों पर मतदान होना है। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 100 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करने वाले हैं। इस चरण में मुलायम परिवार के 3 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। तो मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव और साथ ही फिरोजाबाद से अक्षय यादव की सीट पर आज ही वोटिंग होनी है। यानी कि यादव परिवार के ज्यादातर सदस्य जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सीटों पर आज ही मतदान होगा। अगर इन 10 सीटों की बात कर ले तो 2019 में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। इसके अलावा संभल और साथ ही मैनपुरी, ये 2 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर बात कर ले मैनपुरी सीट की तो डिंपल यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी। और अब आज उन्हीं 10 सीटों पर एक बार फिर से मतदान होना है, तो तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। बस अब कुछ ही देर बाकी है जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, साथ ही हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। तो 10 सीट, 100 कैंडिडेट और आज तीसरे चरण का मतदान, तैयारी पूरी कर ली गई है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के मतदान में आज कई जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मुलायम परिवार की बात की जाए तो डिंपल, अक्षय और आदित्य, ये तीनों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अलग अलग सीटों से। हालांकि ये जो पूरा इलाका है मैनपुरी, एटा का, इसके अलावा बदायूं, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, का फिरोजाबाद, और ये सब चीज़ों से ये लगता है कि यहाँ पर एसपी का दबदबा है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी निकाल पाई थी, बाकी 8 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। एक बार फिर से बीजेपी वही प्रदर्शन दोहराएगी जब 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए मैनपुरी से प्रशांत कुमार, संभल से सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मैनपुरी चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, अगर मैनपुरी की बात की जाए तो यहां से जो मुलायम परिवार है या एसपी है कभी नहीं हारी है, और ऐसे कंडीशन में जबकि लगता था कि मोदी की लहर है और योगी की लहर है, तब भी मैनपुरी सीट कभी भी समाजवादी पार्टी के हाथ से नहीं निकली, तो किस तरह की यहां पर फाइट, क्योंकि यहां से खड़ी है डिंपल यादव। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी में फाइट अब की बार बेहद टाइट है। मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। आप यह देख सकती हैं मेरे पीछे पोलिंग सेंटर है और कुछ ही देर में यहाँ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर अपने सांसद को चुनने आएंगे। आज यह मतदान होना है और तीसरे चरण का मतदान है, जबकि जो मतदाता हैं वो सुबह से ही मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में बस 7 बजने वाले हैं और वह पहला मतदान करने की यहाँ होड़ लगी है। हमारे साथ एक मतदाता भी मौजूद है, वो पहला वोट करने के लिए बेहद बेताब है और पहला वोट करने के लिए यहाँ मतदान। प्रशांत, आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं वो बताइए और मतदाताओं से भी बात जरूर करिएगा जो वहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गए हैं अपने मतदान करने के लिए। बिल्कुल, ये देखिए मैनपुरी का कुचेला बूथ है और यहाँ मतदान करने के लिए जो मतदाता है ये आए हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। अच्छा, ये अपना पर्ची दिखाइए। अच्छा, ये पहला वोट करने के लिए आए हैं? जी सर। अच्छा, लोग कितने बेताब है वोट करने के लिए? बहुत बेताब है सर। तो ये सूर्य प्रताप सिंह थे, ये अपना वोट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर अपनी सरकार को चुनेंगे और आप यह देख सकती है जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली है, कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। और यहां कुल 17,87,147 मतदाता अपने सांसद का भाग्य तय करेंगे। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा रहेगा, जबकि मैनपुरी सीट पर सन 1996 से लेकर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और लगातार जो समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा है वो इस सीट पर दांव पर लगी है। डिंपल यादव यहाँ के चुनावी मैदान में है और लगातार जो बीजेपी ये दावा कर रही है कि 80 में से 80 सीटें जीतेगी, तो यही वो सीटें हैं
जहां पर जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है या फिर कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है इस वक्त। चलिए संभल आपको लेकर चलते हैं जहां से सुनील कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, तस्वीरें आप दिखाइए, कौन से पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए नीलू, हम संभल के शंकर भूषण जनता इंटर कॉलेज बूथ पर हैं। ये शहर का प्रमुख बूथ है और ये वो इलाका है, यहाँ पर तमाम सारे जागरूक लोग रहते हैं, तमाम धरना प्रदर्शन इस स्थान से होते हैं। ये पिंक बूथ है, यहाँ पर चुनाव के लिए पूरी तैयारी है। बात अगर संभल की जाए तो संभल बेहद महत्वपूर्ण सीट है। संभल से मुलायम सिंह यादव, रामगोपाल यादव, डीपी यादव, शफीकुर्रहमान वर्ग जैसे सांसद रहे हैं। 2014 में बीजेपी ने इस सीट को पहली बार जीता था, मगर 2019 में समाजवादी पार्टी ने फिर सीट को छीन लिया। अब इस बार सपा भाजपा के बीच यहां पर कड़ी लड़ाई है, वहीं बसपा भी चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी है। इस सीट का बेहद महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह सीट हारी हुई सीटों में से एक है। यहां पर संगठन मंत्री, संगठन के लोग, तमाम मंत्री लगातार डेरा डाले रहे हैं और पूरी तैयारी से चुनाव में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, शफीकुर रहमान बर की मतलब ये सीट है, अब उनके बेटे वहां से खड़े हो रहे हैं। ऐसे में फाइट बीएसपी की तरफ से भी जबरदस्त मिल रही है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोटरों की बात की जाए तो इस बार कहा यह जा रहा है कि दो मुस्लिम कैंडिडेट यहां से खड़े हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या वहां पर सुगबुगाहट है? बता दूं, पर शफीकुर रहमान के बर्क के पौत्र जियाउर रहमान बर्क को सपा ने चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक सौलत अली को मैदान में उतारा है। तो यहां बसपा इस चुनाव को त्रिकोणी बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और काफी हद तक मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए ठीक है, तो पौत्र हैं, मैंने बेटा कह दिया था लेकिन पौत्र हैं, और पौत्र अब अपने जो दादा हैं उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ आगरा से इस वक्त अशोक कुमार भी जुड़ गए हैं। अगर आगरा की बात की जाए तो ये जो सीट है ये सुरक्षित सीट है, अगर मेरी जानकारी में ऐसा है, और यहां से एसपी सिंह बघेल खड़े हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका अच्छा खासा दबदबा है। पिछली बार भी इस सीट पर उन्होंने चुनाव जीता था, एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा दिखाया है, लेकिन मुकाबला कैसा देखने को मिल रहा है अशोक? बिल्कुल नीलू, मुकाबला इसलिए रोमांचक इस बार हो जाएगा क्योंकि आगरा जो है दलितों की राजधानी है और इस बार गठबंधन और बीएसपी ने दोनों ही प्रत्याशी जो है ऐसी उतारे हैं मैदान में। लेकिन वही एसपी सिंह बघेल है जिस पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है क्योंकि कैबिनेट मंत्री भी है, अपनी साख रखते हैं, तो उसको लेकर ये रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। वही आपको बता दूं कि मैं इस समय जो है एक मुफीद आम मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तैयारी अभी तक चल रही है, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो है मतदाता पहुँचना शुरू हो जाएंगे और जो है पहला मतदान अपना करेंगे। वहीं आगरा पर बात की जाए तो आगरा में सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनकी आज भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 20 लाख से अधिक मतदाता है इस सीट पर, जिसमें 10 लाख जो है पुरुष है और वहीं जो है। तो बिल्कुल शिव कुमार, थोड़ी देर में देखिए वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। और तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि लोकतंत्र के महापर्व का आज तीसरा चरण है और सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि विरासत एवं विकास की अवधारणा को निरंतरता देते एवं विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने किए जाने हेतु मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में योगदान दे सकता है। याद रखें, पहले मतदान और फिर जलपान। तो हर बार जब भी वोटिंग होती है सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर ट्वीट करके लोगों से वोट करने की अपील भी करते हैं। इससे पहले भी जहां जहां पर उनकी जनसभा होती है वो जरूर ये कहते हैं कि आप पहले मतदान करें और उसके बाद ही आप जलपान करें। बिल्कुल, आगरा आगरा एक बार फिर से हम चलते हैं शिव के पास। शिव, अगर आगरा की बात की जाए, आप कह रहे थे इस बार फाइट बड़ी जबरदस्त है, सुरक्षित सीट है और इस बार तो फाइट में बीएसपी भी है, उसने अच्छे अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और शायद हालांकि
चलिए ठीक है, लगता है हमारे साथ शिव नहीं जुड़े हैं इस वक्त। मैनपुरी एक बार चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, अगर मैनपुरी सीट की बात की जाए, यहां पर देखिए हमेशा से परंपरागत सीट रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार कोई परंपरा नहीं, कोई किसी की सीट नहीं, कहीं से कोई भी दम भरता हो लेकिन सीट तो बीजेपी के ही खाते में आएगी। प्रचार के दौरान क्या कुछ दिखा, लोग क्या दिखे, क्या अभी भी मुलायम परिवार के प्रति जो उनकी एक आस्था कह लीजिए या प्यार कर लीजिए वो अब भी बरकरार है, या फिर लगता है कि नहीं अब यहां से कोई और उम्मीदवार या फिर कोई और पार्टी आनी चाहिए? नीलू देखिए, अगर बात मतदाताओं की जाए तो न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी किया था, साथ ही मतदाताओं से बात करने की कोशिश की थी, उनका मूड जाना था। तो वही अपने मौजूदा सांसद डिम्पल यादव से खासे नाराज भी दिखाई दिए थे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। साथ ही जो भाजपा के प्रत्याशी है जयवीर सिंह, वो भी दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे थे, हालांकि जनता का भरपूर सहयोग भी उनके साथ देखने को मिल रहा था। आज जो उनके भाग्य का फैसला है वो शाम को ईवीएम में कैद हो जाएगा, और लगातार जो मैनपुरी की जनता है वो कुछ बदलाव के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने ग्राउंड जीरो पर बात की थी तो मतदाता अब की बार उनको ऐसा मतलब चेंज करने के मूड में नजर आ रहे थे, लेकिन हालांकि सीट पर अब की बार क्या कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा की भी प्रतिष्ठा या दांव पे लगी हुई है, और मुख्यमंत्री अगर प्रशांत जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है या फिर परिवर्तन चाहती है तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल जरूर खड़ी कर सकता है। आप तीनों